खंडवा के अंकासर तीर्थ नगरी में नहीं होता है रावण का दहन। दरअसल बाबा भोलेनाथ के परम भक्त होने के कारण रावण का दहन ओंकारेश्वर तीर्थनगरी में अनादिकाल से नहीं किया जाता है। वहीं तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में दशहरा उत्साह से मनेगा। प्राचीन काल से चली आ रही इस परंपरा को आज भी लोग मानते हैं। दरअसल रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था, इस कारण रावण के साथ ही यहाँ कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले भी नहीं जलाए जाते। यह परंपरा क्षेत्र में प्राचीन समय से चली आ रही है, इसे सभी लोग निभा रहे हैं। ओंकारेश्वर नगर के समीप ही ग्राम शिवकोठी में गांव के युवाओं ने एक बार रावण का पुतला बनाकर दहन किया। उसके बाद परिणाम ये निकला कि पूरे गांव में भयानक आपसी विवाद रावण दहन को लेकर हुआ। कुछ ही दिनों बाद गांव दो भागों में बढ़ गया। पूरे गांव में महिलाओं की बोलचाल बंद हो गई। पुरुषों का भी आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप बंद कर दिया। गाँव के लोगों ने एक दूसरे लोगों में धार्मिक कार्यक्रम में माना जाना बंद कर दिया। विवाद को देखते हुए शिवकोटी गांव के बुजुर्ग लोगों ने आपसी समझौता करवाया और प्रण लिया कि गांव में कोई भी रावण का दहन नहीं करेगा। ओंकारेश्वर मंदिर के प्रबंधक ट्रस्टी राव देवेंद्र सिंह ने बताया कि रावण दहन ओंकारेश्वर में नहीं होता है। कुछ वर्ष पहले लोगों ने कोशिश की थी, विवाद होने के कारण बंद कर दिया गया है। राव ने बताया, प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा को नगर में आज भी निर्वहन होता है आ रहा है। शिव नगरी ओंकारेश्वर में 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी गाँव में रावण दहन नहीं होता है। पंडित धर्मेंद्र पाठक ने बताया कि रावण दहन ओंकारेश्वर में नहीं होता है। कुछ वर्षों पहले लोगों ने कोशिश की थी लेकिन विवाद के चलते बंद हो गया। दशहरा का पर्व पूरे देश दुनिया में मनाया जाता है, सब दूर रावण का दहन किया जाता है, पर मात्र एक ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी ऐसी है जहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता है, क्योंकि रावण शिव जी का परम भक्त था और ओंकारेश्वर में स्वयं शंभू प्रकट हुए हैं। यहाँ पर वो इसलिए रावण का दहन नहीं किया जाता है क्योंकि रावण शिव जी का परम भक्त था, इसलिए यहाँ पर रावण का दहन नहीं किया जाता है। उसके बदले एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाती है, एक दूसरे को गले मिला जाता है और नगर में शिव जी की डोला निकाला जाता है।